Jesus, you deliver in the name of Jesus. Deliver in the name of Jesus. Deliver. Name of the Jesus. Name of the Jesus. I pray. Deliver. Our God is a loving God. Our हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है. Our God is a living God. और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर. He loves every people. और वह तो हर एक व्यक्ति से प्यार करता है. He doesn't see you are rich or the poor. और वो तो इस बात को नहीं देखता कि आप गरीब हो अमीर हो, उस बात को नहीं देखता है. He doesn't see you are educated or non-educated. वो परमेश्वर आपका शिक्षा का स्तर कितना है, आप शिक्षित है कि नहीं है, उसको नहीं देखता है. Because he is a God for everyone. क्योंकि वह परमेश्वर तो हर एक का परमेश्वर है. So he was created you and me. और उसने हम और आपको बनाया है. He was created in his own image. और उसने हम और आपको अपनी समानता में बनाया. We are the image of the God. और हम सारे लोग उसके समानता में बनाए गए. He loves every people. और वह तो हर एक लोग उसे प्यार करता है. He is so humble God. और वह तो बहुत नम्र परमेश्वर है. He is so much of loving God. और वह तो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है. He can change your life. और वह तो आपके जीवन को बदल सकता He है. He can change your situation. आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है वह. He can change your problem. और आपकी समस्याओं को बदल सकता He है. He can do the miracle in your life. और आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता He है. He can bless your life. आपके जीवन को आशीषित कर सकता है. God can do whatever you need in your life. और आप जो कुछ भी चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं. He knows about your needs. और आपके जरूरतों के विषय में परमेश्वर को पता है. He knows what's going on in your heart. और परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय के अंदर में क्या बातें हो रही है. He can know what you are thinking right now. और इस वक्त आप बैठ के क्या सोच रहे परमेश्वर उसको भी जानता है. Because he is a creator. क्योंकि वही है आपको बनाने वाला. So he knows everything about you. और इसलिए परमेश्वर तो हर एक बातें आपके जीवन के लिए जानता है. In front of the God you cannot hide anything. और परमेश्वर के सामने आप किसी भी बात को छिपा नहीं सकते. He can see everything about your life. और वह तो आपके जीवन का हर एक बातों को देख सकता है. Some people will think in their life. और Clearly says, Bible हमको स्पष्ट रूप से कहती है, the wages of the sin is the death one. और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. What is the sin? ये पाप क्या है? What is means by death? और उसके उसके कारण से मृत्यु ये क्या क्यों होती है? Two things are in there. और दो बातें यहाँ पे है. What is the sin? एक तो है पाप. What is the death? और एक तो है मृत्यु. What is related in our life? और ये दोनों चीज हमारे जीवन से क्या संबंध रखता है? We are born in the sin. और हम जो है पाप के साथ जन्म लेते हैं. We have done a lot of sin in our life. और हम और आप तो है बहुत सारे पापों को अपने जीवन में किए हैं. The Bible clearly says. Bible हम और आपको स्पष्ट रूप से कहता है. Through the Adam the sin came. और आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आई. But through the Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से. Our sin was forgiven. और हमारे पाप को क्षमा किया जाता है. God has forgiven the sin. परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है. Every human beings will do the same. और हर एक लोगों के लिए यही सामान्य प्रक्रिया है. Because the sin will attack our life and will destroy our life. क्योंकि पाप जो हमारे जीवन को क्षतिग्रस्त करके विनाश कर देता है. So the sin will come enter in your life. जब आपके जीवन में पाप आता है तो sin will enter in different ways in your life. और वो जो अलग अलग तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करता है. It will come through an attractive way. और कोई चीजों का आकर्षण लेकर के पाप आता है. How the Adam and Eve fell in the sin. आदम और हवा को याद करें वो कैसे पाप में गिर गए. आई सी द थिंग. और उनकी आंखों ने उस पाप की चीजों को देखा. They see the fruit is a good one. और उन्होंने उस फल को देखा कि बोला कि ये तो अच्छा फल है. But God said to the Adam and Eve. लेकिन परमेश्वर ने उस आदम और हवा को कहा था. God has created everything. परमेश्वर ने
हर एक चीजों को बनाया He created everything as beautiful है और परमेश्वर ने हर एक चीजों को बहुत सुंदर बनाया And he gave it to Adam and Eve और उसको परमेश्वर ने वहां पर रखा And he said only one thing और परमेश्वर ने उससे एक बात ही सिर्फ कहा Do not eat that fruit और उस फल को सिर्फ ना खाना Do not eat that fruit उस फल को ना खाना But what Adam and Eve done लेकिन आदम हवा ने क्या किया You fell down in the Satan और लेकिन वो लोग शैतान की बातों में आ गए Satan cheated the Eve first और हवा को सबसे पहले शैतान ने उसको बहकाया Through the Eve the Adam fell down in the sin और हवा के द्वारा आदम भी उस पाप में गिर गया They disobeyed to the God और वो लोग परमेश्वर की अनागारित हो गए They did not obey to the God और वे लोग परमेश्वर आगे को नहीं माने We are the believers of the Jesus और आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं We want to obey to the God और आपको उसके आगे को मानना है That's why God gave the life और इसी कारण से परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है The world is filled with the sin और दुनिया जो है पूरी तरह से पाप में भरी हुई है Do not fall in the sin लेकिन हम आपको उस पाप में भरना जान नहीं है The wages of the sin is the death one पाप की मजदूरी तो मृत्यु है You cannot go to the heavenless kingdom आप उसके द्वारा पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते हैं We want to live a holiest life और आपको एक पवित्र जीवन जीना होगा Hope you are falling in the sin Hope you are falling in the sin और मैं ऐसा करके सोच सकता हूँ कि हो सकता है आप पाप में होंगे Through these eyes क्योंकि अपने आंखों के द्वारा We are seeing everything और हम अपने आंखों से बहुत कुछ देखते हैं We are seeing the good thing और हम लोग अच्छी चीजों को देखते हैं We are seeing the bad thing और हम खराब चीजों को देखते हैं Two things we are seeing through the eye wall और हमारे आंखों के द्वारा से दोनों बातों को देखते हैं But the sin लेकिन ये जो पाप है is attracting us वो पाप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है We are falling inside of the sin और आकर्षण करें तो हम उस पाप के अंदर गिर जाते हैं God says do not drink alcohol और परमेश्वर ने कहा कि आप कहेंगे शराब मतलब नशा ना करो बट पीपल फेल डाउन इन द अल्कोहल लेकिन वो लोग जो है उस शराब में गिर जाते हैं गॉड से डू नॉट स्मोक परमेश्वर कहता है कि नशा सिगरेट ना पियो बट पीपल फेल डाउन इन द स्मोकिंग लेकिन लोग जो है उस सिगरेट में चले जाते हैं गॉड से डू नॉट यूज ड्रग्स परमेश्वर कहते हैं कि ड्रग्स का नशा मत करो बट वी आर यूजिंग द ड्रग्स लेकिन हम लोग ड्रग्स को लेते हैं गॉड से डू नॉट डू द प्रोस्टिट्यूशन परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार ना करो बट वी डू द प्रोस्टिट्यूशन व्यभिचार में चले जाते हैं गॉड से डू नॉट बी अ लवर्स ऑफ द मनी और हम परमेश्वर कहते हैं हमें पैसों के लालच ना होना है बट वी फेल डाउन इन द लवर्स ऑफ द मनी लेकिन हम लोग पैसों के लालच में डूब जाते हैं गॉड से वांट टू ओबे फॉर हिज कमांडमेंट और परमेश्वर कहते हैं हमें उसके आगे को मानना है बट वी नॉट ओबे फॉर द कमांडमेंट लेकिन हम उसकी दशा उस आज्ञा को नहीं मानते हैं वांट टू ओबे टू द गॉड और हम और आपको यदि हम परमेश्वर के आगे को मानेंगे तो गिफ्ट ऑफ द गॉड इज द एटर्नल लाइफ और उसका परिणाम होगा कि परमेश्वर की ओर से आपको अनंत जीवन मिलेगा व्हाई वी आर लिविंग हम लोग क्यों यहाँ जी रहे हैं व्हाई गॉड गिव द लाइफ परमेश्वर ने क्यों हमें वो जीवन दिया व्हाट इज द पर्पस गॉड गिव द फार्मर परमेश्वर जब ये जीवन को दे उसका उद्देश्य क्या है व्हाई गॉड गिव द चिल्ड्रन और परमेश्वर आपके जन्म बच्चों को क्यों दिया है व्हाट इज द पर्पस उसका उद्देश्य क्या है सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको पता है मेरे भाई और बहनों गॉड गिव द लाइफ टू लिव फॉर द और परमेश्वर ने आपको यह जीवन दिया है कि आप परमेश्वर के लिए जिए व्हेन यू ओबे फॉर द गॉड जब आप परमेश्वर के आगे को मानेंगे व्हेन यू लिव फॉर द गॉड जब आप परमेश्वर के लिए जिएंगे तो व्हेन यू सर्व फॉर द गॉड आप जब परमेश्वर की सेवा करेंगे तो व्हेन यू लिव अ होलीस लाइफ जब आप पवित्र जीवन जिएंगे तो व्हेन यू लिव अ राइटियस लाइफ जब आप धर्मी जीवन जिएंगे तो God will take you to the heavenly kingdom. और परमेश्वर आपको उस स्वर्ग स्थान में लेके जाएगा. Heaven is a permanent place for you and for me. और स्वर्ग जो है एक हमेशा का वो permanent स्थान है. That is a permanent life. और वही तो हमारा सदा का जीवन है. Here is not a permanent life. और इस संसार हमारा अस्थाई घर नहीं है. The world is a temporary world. और यह तो चिरस्थाई है ये संसार. Our life is a temporary world. और हमारा जीवन भी चिरस्थाई है. That is a permanent life. हमारा अस्थाई जीवन कहाँ है? Heaven is our permanent life. स्वर्ग ये जगह स्वर्ग वो हमारा स्थाई जगह है. God called you to live in the heaven. और परमेश्वर हम और आपको स्वर्ग के स्थान में जाने के लिए. If you want God to come to the heaven, यदि आपको स्वर्ग आज जाना होगा, we want to live a holiest life. और हम और आपको पवित्र जीवन जीना होगा. Then live the holiest life. जब हम पवित्र जीवन को जिएंगे, God will take you to the heavenly kingdom. और वो आपको स्वर्ग के स्थान लेके जाएगा. Then live in this world. जब आप इस संसार में जी रहे हैं, sin will pull you to fail in the sin. और पाप जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि उसकी ओर में गिर जाए डू नॉट फेल इन द सेम लेकिन आपसे कर जाता है उस पाप की ओर ना गिरे फेल इन द फीस ऑफ द गॉड लेकिन आप परमेश्वर की उस शांति की ओर में चले जाए बट व्हाट हैपेंड लेकिन क्या होता है पीपल आर फेलिंग इन द सेम लेकिन लोग जो है पाप में गिर जाते हैं डूइंग मोर सिन इन द लाइफ और वो अपने जीवन
जीवन में यदि पाप करते हैं, sin will separate you from the God and you. और पाप जो है आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा. The sin will separate your life from the God. पाप जो है परमेश्वर से आपको दूर करेगा. Because the Satan is a liar. और आपको पता है कि शैतान जो है झूठा है. He is a cheater. वो तो धोखेबाज है. He will cheat your life. आपको धोखा देगा. He will cheat your family. आपके परिवार को धोखा देगा. He will cheat your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन को धोखा देगा. Do not fall in the same. और आपके पाप में गिरना नहीं है. In any situation. आप चाहे कोई भी परिस्थिति हो. In any of your life. और चाहे आपके जीवन में कोई भी क्षण हो. Do not fall down inside the same. लेकिन आपको पाप में गिरना नहीं है. We want to live for the Jesus. और आपको परमेश्वर के लिए जीना है.